हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। खबरें हैं बहुत सारी, सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले जत प्रभजोत की तरफ से। जत प्रभजोत इंडिया वापस आ गए हैं और मिले अपने फैमिली से। फैमिली का कुछ ऐसा रिएक्शन था उनके मिलने के बाद। नेक्स्ट वीक अपडेट आ रही थाराबाई जोगेंद्र की तरफ से। थाराबाई जोगेंद्र अब नहीं जाने वाले बिग बॉस में। थाराबाई जोगेंद्र को बिग बॉस वाइल्ड कार्ड एंट्री का बुलावा आया था, बट थाराबाई जोगेंद्र ने उनके बारे में कुछ ये कहा। जोगेंद्र भंगड़ा करके स्विमिंग पूल में तुम देखो भाई, 90 दिन का शो होता है, आधे से ज्यादा निकल भी चुका है तो कोई फायदा नहीं है जाने का आने का। बट जिस दिन शेर की एंट्री होगी आर पार होगी, इस बार तो नहीं अगली बार ही सही, क्योंकि मैं शुरू से खेलना चाहता हूं, पहले दिन से और लास्ट तक ट्रॉफी जीत के उन लोगों को बताना चाहता हूं मैं बीच में एंट्री नहीं करना चाहता, चाहे कोई कितना पैसा दे दे या कितनी अप्रोच लगा ले, अपने दम पे आएगा जिस दिन आएंगे, आएंगे नहीं आर पार काम करके जाएंगे, इतिहास लिखा जाएगा उस दिन। नेक्स्ट बिग अपडेट आ रही है मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वायरल पिक को लेके, जो कि बन गया सेकंड मोस्ट लाइक पिक इंस्टाग्राम पे। दरअसल वो फोटो एडिटेड थी, दोनों एक साथ फोटो शूट पे नहीं थे। हियर इज द वीडियो क्लिप ऑफ पिक शूट। इस पिक के वायरल होते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कंप्लीट कर लिए 500 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड बन गए वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्रॉस किया इस टारगेट को इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क ने हिंदी का वर्ड यूज करते हुए ट्वीट करा। बेसिकली उन्होंने टारगेट किया वैसे लोगों को जो कि उन्हें जज करते हैं। उन्होंने कहा वो दूसरे सोशल मीडिया पे जाएं, ट्विटर पे नहीं। उन्होंने ट्वीट करा नमस्ते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है UK07 राइडर की तरफ से। UK07 राइडर ने आईफोन स्कैम कॉन्ट्रोवर्सी में बाबू भैया ने FIR लॉन्च कर दिया शॉपकीपर करण के ऊपर एंड कहा कि वो लीगली इस मैटर को लेंगे। I had that footage जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करी, विच प्रूव्ड कि पहली बात तो करण ने ना इस फोन का बिल हमारे नाम पे फ्रॉड करा, दूसरा उसने GST भी अपने नाम पे क्लेम कर दिया था, एंड तीसरा गाइस ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड मिस्टेक एक्सेप्ट करने के बाद भी उसने प्रणव भैया पे FIR करवा दिया। तो मैंने भी गाइस तीन जगह से ना कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है। पहला कोर्ट का नोटिस जा चुका है, दूसरा इस दी GST काउंसिल में ना फ्रॉड GST क्लेम करने का भी कंप्लेन जा चुका है, तीसरा कंज्यूमर कोर्ट। अगर बात ना मेरे तक होती तो मैं छोड़ देता, बट प्रणव भैया पे अगर आप फेक FIR रजिस्टर करवा रहे हो ना तो मैं खुद अपने एंड से बोल रहा हूं फ्रॉड के केस में तो आप अंदर जाओगे ही जाओगे। साथ ही साथ ना मेरे को मेरा फोन का बिल भी मिलेगा, प्लस कॉम्पनसेशन अलग पे करेगा ये बंदा। और जितने भी लोग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं ना, ये एक नंबर का फ्रॉड इंसान है गाइस। एंड ये वाली फुटेज देखने के बाद मुझे ये भी लगता है कि आपके घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे, बिकॉज सब लोगों को पता है गलत कौन है, बट लीगली तो अब आपको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही टेक्नो गेमर की तरफ से। उन्होंने क्रॉस कर लिया 30 मिलियन सब्सक्राइबर काउंट, कांग्रेस टेक्नो गेमर्स। वही टोटल गेमिंग ने क्रॉस कर लिया 34 मिलियन। उन्होंने शेयर किया ये पोस्ट। गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट अपडेट, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।